नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और ये चर्चा करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी की वीडियो है अपनी मंडे के लिए 15 नवंबर को। क्या हो सकता है, निफ्टी क्या बोल रहा है, बैंक निफ्टी क्या कह रहा है, क्या हम उसमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो उसको शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं। मैं कोई सेबी एनालिस्ट नहीं हूं, जो वीडियो बना रहा हूं मेरा पर्सनल व्यू है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन किसी के लिए नहीं है। इन केस आप करते हैं तो आप खुद ही जिम्मेदार होंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस के। इन केस आप अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट करना चाहते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। आप ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, किसी का कोई चार्ज नहीं है। एंड आई एम नॉट रनिंग एनी पेड चैनल, मेरा कोई पेड चैनल भी, इन केस आपको कोई बोलता है तो ही इज लाइंग, वो मेरा चैनल नहीं है फिर ग्रीन ट्रेडर का। तो ये आ जाइए, ये है आपका निफ्टी का चार्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग विश्लेषण होने वाला है दोस्तों, इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। आप समझिएगा ध्यान से मैं कहना क्या चाहता हूँ। निफ्टी की ये जो कैंडल बनी है, ये जो यहाँ से तेजी बनी है, ये एक ऐसी तेजी थी जिसने सोचने पे मजबूर कर दिया कि भैया 18,080-100 तो एक बार डाइजेस्ट हो रहा था, ठीक है। पर जब वो 18,080 से लेके फिर 50 के पास आया, वहां से खींच के ये 18,123 तक गया, लगभग 121-123 तक। वो तेजी तो दिख रही थी कि इसके मन में कुछ और है। दूसरी चीज जो प्राइस एक्शन बोल रहा था, दूसरी चीज ये 20 EMA 10 EMA दोनों को काट के लास्ट 1, 2, 3, 4, 5 दिन के अबव इसने क्लोज दिया, ठीक है। 5 दिन के अबव इसने क्लोजिंग दी है, तो भैया यहां तो कम से कम इस चीज को मैं देखूं तो ये इधर तक तो आना चाह रहा है, बड़े आराम से आना चाह रहा है, ठीक है। ये आता है आपका प्राइस निकल के 180-190, ठीक है। अब गैप अप होगा, कुछ होगा, बहुत उम्मीद लग रही है गैप अप होने की, और इस बाइंग के हिसाब से गैप अप होना भी चाहिए। तो इसके बाद जो टारगेट निकल के 230-230, ठीक है, 225-230, ये एक रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस होना चाहिए 230। इन केस 230 को बाधा को पार करने में ये कामयाब रहता है, तो अब थोड़ा हम इंटरनली चार्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो ये इसने ये इसलिए रेजिस्टेंस खाया क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन थी जो ऊपर से मैंने ड्रॉ की है, तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है 18,000। पर ये जब इसके ओपनिंग गैप अप होगा, अगर होता है तो बाकी चाय पर चर्चा पे रहिए, उस दिन अगर गैप अप नहीं हो रहा, जो भी कुछ हो रहा है हम डिस्कस करेंगे। 225-230 तक ये बिल्कुल जरूर जाने की कोशिश करेगा, और यहां से ये ट्रेंड लाइन इसको रुकावट देगी। तो यहां तक 225-230 आप मान के चलिए कि दिखने वाला है, और ये एक रुकावट होगी 230 का लेवल। इन केस 230 के ऊपर चला जाता है तो नेक्स्ट जो निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 320 से लेके 340 का जोन, 320 से लेके 330 का जोन। बस ये आप मान के चले फिलहाल मंडे ट्यूसडे के लिए ऊपर की तरफ। अब भैया भयंकर तेजी हो जाती है, ये थर्ड सिनेरियो है। अगर 340 के ऊपर निफ्टी क्लोज करने में कामयाब हो गया, बी रेडी फॉर 18,600-700, फिर ये टॉप टच करेगा, फिर कोई शंका नहीं है, ठीक है, कोई शंका नहीं है। और नीचे से हल्का रिट्रेस लेके पोजिशनली 18,800 हो जाएगा। यहाँ पे इसने बिल्कुल सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, जिस हिसाब की तेजी हुई है यहाँ पे भयंकर, मतलब बाइंग जो हुई है, जो प्राइस एक्शन कह रहा था, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। एक घंटे का चार्ट लगाया मैंने, ये देखिए दोस्त, यहाँ पे आके एक घंटे के चार्ट में भी समझ में नहीं आएगा, 30 मिनट का लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा 18,060 के आसपास ही आया था एक बार, यहाँ पे तेजी में मैंने भी 18,010 के ऊपर बाई किया, 18 टेलीग्राम पे 18,060-65 के आसपास खुद भी बुक किया, वहां पे बोल भी दिया लोगों को बुक करने को। फिर ये नीचे की तरफ आया, इसने ये टेस्ट किया 18,048, ठीक है। इसके बाद दोबारा जब ये ऊपर गया, वो तेजी में बहुत स्ट्रेंथ दिख रही थी, वो तेजी में बहुत स्ट्रेंथ दिख रही थी। और यहाँ पे मैं हम उसको एक चीज से और कंफर्म कर सकते हैं, अगर मैं RSI को लगाता हूँ, ठीक है,
ये देखिए दोस्तों, सेम लेवल है 18,060 का, जब यहाँ पे आया एक घंटे के चार्ट पे हम देखते हैं, ये एक घंटे के चार्ट में 18,100 के आसपास ही यहाँ पे तो है RSI 56, 57, ठीक है। अब दोबारा जब ये नीचे जाके इसने इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, यहाँ पे दोबारा ये ऊपर आया 18,100 के आसपास ही, RSI 63 है। मतलब पिछली बार जब आया था उसी लेवल पे इस बार जोरदार तैयारी करके आया, ये RSI भी शो कर रहा है, समझ रहे हैं दोस्तों। तो भैया निफ्टी ये है, अब आ जाइए वीडियो का सेकंड पार्ट, बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। बैंक निफ्टी में तो क्लियर कट सेल ऑन राइज है, क्लियर कट। आप देखेंगे निफ्टी जहां डेली चार्ट में इसने क्या काम किया, 10 और 20 दोनों EMA को काट के ऊपर जबरदस्त क्लोजिंग दी, वहीं पे बैंक निफ्टी अपना 10 और 20 तो नीचे की तरफ इसको डसने के लिए तैयार है, ठीक है। आप कभी भी समझिए, जब 10 EMA 20 EMA के नीचे कोई ट्रेड कर रही है, इट इज नॉट द बाइंग कैंडिडेट, इट इज द सेलिंग कैंडिडेट। सेल इट ऑन एवरी राइज, 10 के भी नीचे, 20 के भी नीचे, और 10, 20 EMA को नीचे की तरफ काट चुका है, कुछ पॉइंट से ही काटा है, ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों। ये इतना वीक हो चुका है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 दिन की लगातार सेलिंग के बाद एक तेजी बनती है, इस तेजी में बस एक ही पॉजिटिव पॉइंट है कि इसने पिछले दिन का लो नहीं काटा। अरे भैया नॉट नाउ, 1 मिनट, सॉरी दोस्तों, ये वीडियो बना के मैं रिस्टार्ट करना पड़ेगा। इसने इसके लो को नहीं काटा, तो इन केस आप एक चीज बिल्कुल दिमाग में रखिए, बैंक निफ्टी में ये नॉर्थ, बैंक निफ्टी अगर उत्तर की दिशा चल रहा है तो सॉरी, निफ्टी अगर उत्तर की दिशा चल रहा है, नॉर्थ की डायरेक्शन में है, तो बैंक निफ्टी टोटली साउथ की डायरेक्शन में। अब दोनों में बहुत दम है, बैंक निफ्टी में इतना दम है कि भाई वो निफ्टी को नीचे खींच ले, और निफ्टी में इतना दम है कि वो बैंक निफ्टी को ऊपर खींच ले। तो आप तेजी करना है तो निफ्टी में करिएगा भरपूर, मंदी करनी है तो बैंक निफ्टी में करिएगा भरपूर। अब एक लेवल जो मैं यहां लिख रहा हूं उसको ध्यान से समझ लो दोस्तों, 38,940। जब तक बैंक निफ्टी इसके नीचे है, इट इज ए सेलिंग कैंडिडेट, उसको सेल मारना है आपको हर एक राइज पे, यहां पे सेल। अब ये बाइंग का कैंडिडेट कब होगा, इसके ऊपर चले फिर सेल नहीं है भाई, 38,940 के ऊपर चले फिर सेल नहीं है, इट मीन्स ट्रेंड चेंज होने की कगार पे है। बट कंफर्म कब होगा, कंफर्म जब होगा जब ये दोनों इस 39,200 के ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा, 39,200 20 का लेवल आता है, इसके ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा, और इतना आसान नहीं होगा उसको पार करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों ये शेषनाग की तरह बैठे हुए हैं, इसको ऊपर नहीं जाने देंगे। इन केस ऊपर चला जाता है 39,220 इसके ऊपर ट्रेड करें, तब ये बाइंग का कैंडिडेट, फिर आप इसको बाय करिए, फिर इसका टारगेट 40,000 तक भी निकल के आता है। बट ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसके 100 में से 10% चांस है फिलहाल, कि भाई निफ्टी ने इसको ऐसा भयंकर खींच लिया, बाइंग आ गई बैंक निफ्टी में, 39,200 के ऊपर चलने लगा, तो 500-600 पॉइंट की तेजी आपको आराम से मिलेगी। ये लेवल तो जरूर देखने को मिलेगा जो कि है 39,680, कंफर्म मिलेगा, 400-500 पॉइंट ये छोड़ देनी आपने। पर यहाँ पे जो टेक्निकल कह रहा है, आपको याद होगा दोस्तों जब मैंने बोला था बैंक निफ्टी 42,000 की तरफ जाने की तेजी दिखा रहा है, और निफ्टी गिर रहा था तो लोगों को बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, ऐसे कैसे हो सकता है, और भैया यही हुआ, बैंक निफ्टी बढ़ रहा था और निफ्टी गिर रहा था। तो जो चार्ट बोलता है जिसका, मैं वो बताता हूँ, बैंक निफ्टी बोल रहा है मुझे ठोको सेल ऑन राइज पे, निफ्टी कह रहा है मुझे बाई करो, तो वो मैंने आपको बता दिया, समझिए इस चीज को, ठीक है। और कोई भी क्लोजिंग 340 के ऊपर निफ्टी की आ जाती है तो फिर भैया निफ्टी ऑल टाइम हाई के करीब जरूर जाएगा, जरूर जाएगा।
और अब बात कर रहे थे हम बैंक निफ्टी की। इसको 39,38,940 ये लेवल जो सेलर है मेरी तरह जो इसको शॉर्ट करने की सोच रहे हैं दिमाग में रख लें 38,940। इसके नीचे जब तक है सेलिंग का कैंडिडेट है, राइज पे ठोकिए, ये लेवल तोड़ के ऊपर ट्रेड करने लग जाना, फिर शॉर्ट की मत सोचना। इसका मतलब जो हमने व्यू बनाया था मार्केट ने उसको क्या दिखा दिया, बाबा जी का ठुल्लू, बोला तुम सोचो मैं चला ऊपर, ठीक है अब बाइंग कर लेना इसको इनके से 39,200 के ऊपर चल पड़ता है, जो कि मुझे फिलहाल मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है मुझे फिलहाल। मुझे नहीं लग रहा कि 39,200 को बैंक निफ्टी क्रॉस कर पाएगा, और ये नीचे की तरफ इसको ठोकिए। एज पर दिस हेड एंड शोल्डर भी इसके टारगेट 38,000 के लगभग आते हैं, 38,200 का तो लेवल दिखाना चाहिए इसको एटलीस्ट। समझ गया दोस्तों? तो ये था, इनकेस आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, कुछ पता लगा हो, और एज पर टेक्निकल जब इसने ऊपर जाके चैनल के अंदर नीचे एंट्री की है तो इसका ऐसे ऊपर नीचे करके ये लोअर बैंड को टच करना है, ठीक है, इस लोअर बैंड को टच करना है जो कि 37,200-300 के लगभग आता है फिलहाल। ये मैं इसको टच करूँ कितना, 37,500 के लगभग एज पर टेक्निकल्स, जैसे इसने यहाँ पे किया है। ये देखिए ऊपर जाके नीचे घुसा तो लोअर बैंड को टच किया, ठीक है, ये ऊपर गया क्लोज करने में काम, लोअर बैंड को टच किया, यहाँ ऊपर गया ब्रेकआउट दिया, अब दोबारा से चैनल के अंदर एंट्री कर गया तो लोअर बैंड को टच करना चाहिए। तो 37,300-400 तक इसको जिग जैग करते हुए आना है एज पर टेक्निकल। बट शॉर्ट, ये तो व्यू हुआ, शॉर्ट कैसे करना है, शॉर्ट लेवल पे ही करना है भाई। 38,940 अगर नहीं ब्रेक होता, नीचे ही रहता है इसके, तो ठोकी इसको, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो फिर इसका मतलब एक अपसाइड की तरफ जा रहा है, फिर इंतजार कीजिए रेजिस्टेंस का, फिर इसको सेल मारिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।